हे गाइस, तो आज के इस वीडियो में हम उन सभी अनुच्छेदों के बारे में जानेंगे जो कि केंद्र और राज्य के बीच में विधायी संबंधों को जोड़ते हैं। इसमें अनुच्छेद 245 है जो संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार करता है। अनुच्छेद 246 संसद द्वारा एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की विषय वस्तु तय करता है। अनुच्छेद 247 अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना का संसद का अधिकार प्रदान करता है। अनुच्छेद 248 विधायन की अवशेष शक्तियां प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 249 राष्ट्रहित में राज्य सूची से संबंधित किसी मामले में संसद की कानून बनाने की शक्ति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 250 राज्य सूची के किसी विषय पर आपातकाल की स्थिति में संसद की कानून बनाने की शक्ति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 251 अनुच्छेद 249 एवं 250 के अंतर्गत संसद द्वारा बनाए गए कानूनों एवं राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए गए कानूनों के बीच असंगतता को व्याख्यायित करता है। अनुच्छेद 252 दो या अधिक राज्यों के लिए उनकी सहमति के पश्चात संसद द्वारा कानून बनाने की शक्ति तथा किसी अन्य राज्य द्वारा इस विधायन को अंगीकार करना प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 253 अंतर्राष्ट्रीय समझौतों पर अमल करने के लिए विधायन को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 254 संसद द्वारा बनाए कानूनों तथा राज्य विधायिकाओं द्वारा बनाए कानूनों के बीच असंगति को प्रस्तुत करता है। अनुच्छेद 255 अनुशंसाओं तथा पूर्व अनुमोदनों को प्रक्रियागत मामलों के रूप में देखने की जरूरत को प्रस्तुत करता है।